नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं, अगर आप लोग भी साइटिका के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप लोगों को मैं आज ऐसे नुस्खे बताने वाली हूं जिन नुस्खों को फॉलो करके आप लोगों का जो साइटिका की प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, आप लोगों को कोई भी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी। दोस्तों शरीर में कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं जिनमें से एक साइटिका का दर्द भी है। नर्व में समस्या होने के कारण ये दर्द होता है। साइटिका के दर्द के कारण कमर से लेकर पैरों में अत्यधिक दर्द और पैर सुन्न होने लगते हैं। इस दर्द के कारण शरीर का निचला हिस्सा भी बेकार हो जाता है। ये समस्या ज्यादातर अधिक उम्र वाले लोगों को होती है, लेकिन आजकल की खराब लाइफस्टाइल, भारी वजन उठाने, धूम्रपान करना, मोटापा जैसी समस्याओं में भी ये दर्द आप लोगों को हो सकता है। बहुत से लोग इस दर्द के लक्षण नहीं पहचान पाते हैं जिसके कारण समस्याएं ज्यादा बढ़ती जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि साइटिका के दर्द के लक्षण क्या होते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगी कि दर्द से राहत पाने के कौन से आप लोगों ने घरेलू उपाय करने हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। साइटिका के दर्द से आप लोगों के कमर, कूल्हों, पैरों में दर्द हो सकता है। इसके कारण आपके कमर से लेकर पैरों में भी झंझनाहट महसूस आप लोगों को हो सकती है। आपके पैरों का बेजान महसूस होना, पैरों की उंगलियों में दर्द रहना, ये सारे लक्षण आप लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम में दिखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो थे साइटिका के लक्षण। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कैसे आप लोग साइटिका का जो दर्द आप लोगों को होता है उससे दूर कर सकते हैं, वो भी कुछ घरेलू उपायों को फॉलो करके। सबसे पहले उपाय आप लोगों ने फॉलो करना है वो है लहसुन से बना दूध। लहसुन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये दर्द के कारण होने वाली सूजन से आराम दिलाने में सहायता करता है। लहसुन का दूध बनाने के लिए आप लोगों ने लहसुन को दूध और पानी में मिलाकर उबालना है। जैसे ही दूध थोड़ा सा गुनगुना हो जाए उसमें आप लोगों ने स्वाद अनुसार शहद मिला लेना है और इस दूध का सेवन आप लोगों ने दिन में दो बार करना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो दर्द से आप लोगों को काफी जल्दी आराम मिलेगा और आपका जो साइटिका का प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। वहीं दूसरा उपाय जो आप लोगों ने फॉलो करना है वो है अदरक। अदरक में भी कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। अदरक हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। आप इसका इस्तेमाल साइटिका के दर्द से राहत पाने के लिए कर सकते हैं। अदरक से तेल तैयार करें। इसमें आप लोगों ने ऑलिव ऑयल मिला देना है और दर्द वाली जगह पर लगा लेना है। इससे भी आप लोगों को काफी ज्यादा आराम मिलेगा। वही तीसरा नुस्खा जो आप लोगों ने फॉलो करना है वो है हल्दी। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। ये साइटिक नर्व में लगी चोट की समस्या को दूर करने में मदद करती है। हल्दी का इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों ने तिल के तेल में एक चम्मच हल्दी को मिला लेना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट को दर्द वाली जगह पर आप लोगों ने लगा लेना है। इससे दर्द से आप लोगों को काफी जल्दी आराम मिलेगा। वहीं चौथा नुस्खा जो आप लोगों ने फॉलो करना है वो है अजवाइन का रस। अजवाइन में विटामिन सी और विटामिन ई की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है। ये दर्द में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। आप लोगों ने अजवाइन का पानी तैयार कर लेना है। उसमें आप लोगों ने आधी चम्मच शहद और आधा चम्मच अजवाइन का जो रस है उसे मिला लेना है। फिर इस जूस का आप लोगों ने सेवन कर लेना है। अगर आप लोग दिन में दो बार ऐसा करते हैं तो दर्द से काफी जल्दी आप लोगों को आराम मिलता है। वही पांचवा नुस्खा जो आप लोगों ने फॉलो करना है वो है एलोवेरा। एलोवेरा का इस्तेमाल भी आप लोग दर्द से राहत पाने के लिए कर सकते हैं। एलोवेरा भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। एलोवेरा हमें काफी सारी प्रॉब्लम से बचाता है, इसीलिए एलोवेरा का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व आपके दर्द और सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। एलोवेरा जेल आप लोग दर्द वाली जगह पर लगा सकते हैं। आप लोगों को इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों ने एक एलोवेरा को साबुत ही, यानी कि उसका जेल या फिर उसका छिलका नहीं निकालना है, साबुत जैसा है उसे मिक्सर जार में डालकर पीस लेना है और इसका जूस पी लेना है। अगर आप लोग इसका जूस सुबह खाली पेट लेते हैं तो आपकी जो साइटिका की प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा कई और सारी बीमारियां भी आप लोगों की कंट्रोल हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिन्हें आप लोग फॉलो करके अपने साइटिका के दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है साइटिका का पेन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, इसीलिए अगर आप लोगों को तुरंत ही अपने साइटिका के दर्द को कंट्रोल करना है तो आप लोग इन नुस्खों को फॉलो कर सकते हैं। ये नुस्खे आप लोगों को
साइटिका के दर्द से आराम दिलाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप लोग साइटिका के दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी कुछ घरेलू नुस्खों को फॉलो करके। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई आज की ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी दोस्तों बहुत जल्दी एक और नई हेल्थ वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।